रामबन में रविवार को जिला चुनाव अधिकारी शौकत एजाज भट्ट ने निकाय चुनावों की तैयारियों पर फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जिला रामबन की 3 नगर पालिका रामबन, बनिहाल, बटोत में कुल 21 वार्ड हैं, जबकि हर एक नगर पालिका में 7 वार्ड हैं। उन्होंने कहा कि बनिहाल में 7 वार्ड में से 3 वार्ड में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं, जबकि बनिहाल में 4 वार्ड में चुनाव होंगे। इसके साथ ही अब 3 नगर पालिका के 18 वार्ड में चुनाव होंगे, जिनमें 4 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जबकि 14 सामान्य मतदान केंद्र हैं। डीईओ शौकत एजाज भट्ट ने यह भी बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं, ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपना वोट कर सके। आखिर में उन्होंने कहा कि बड़े लंबे समय के बाद निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र है, जिसमें स्थानीय सरकार बनती है, जिससे पानी, बिजली और सड़कों जैसे अन्य विकास कार्य होते हैं। इस सिलसिले में जो इंतजाम करने थे वो पूरे मुकम्मल है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। हमारे 3 म्यूनिसिपलिटी में 21 वार्ड, बानहल में 3 वार्ड्स में अनकंटेस्टेड ऑलरेडी हुआ है, और वहाँ 4 वार्ड्स में इलेक्शन हो रहा है। ये बड़ी देर के बाद इलेक्शन हुए हैं, और इसमें इसका मकसद जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन है, बेसिक ग्रास रूट लेवल पे हुकूमत है। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।